हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिया और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैसे आप अपने बालों को घर पे ही कलर कर सकते हैं और इसमें मिनिमम खर्चा, वही इसके जो कॉस्ट है वह मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। 160 की कॉस्ट है और अगर आप पार्लर में जाएंगे तो पार्लर में ए पर स्ट्रिक्स 200 या 250 के करीब आपसे चार्ज किया जाता है। तो इसको आप घर पर भी ईजीली कर सकते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। यहाँ मैंने स्ट्रीक्स का लिया है ब्लॉन्ड कलर और इससे जो है आपने देखा होगा जो ब्लॉन्ड कलर होता है बहुत ही प्यारा लगता है। आपको जो कलर पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस एक पैकेट में लगभग आपकी 5 से 6 स्ट्रिप हो जाएंगी, वो भी आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी हेयर लेंथ कम है तो ज़्यादा स्ट्रिक्स हो जाएंगी और अगर लंबे बाल हैं तो स्ट्रिक्स कम होंगी। तो आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग होगा कि कितनी स्ट्रिक्स होंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या करना। चलिए मैं बता देती हूँ कि इस किट में क्या क्या है। इसमें ये सबसे पहले हैं ग्लव्स जो पहनने के काम आएंगे और ये ब्लॉन्डर पाउडर, और नेक्स्ट है हमारा ये है कंडीशनर जिसके 2 सैचेट दिए गए हैं और साथ में है डेवलपर, और इसमें जो है ये मिक्सिंग बॉल है। और अगर इसमें आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो कोई भी प्लास्टिक का या कांच का जो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी एलुमिनियम फॉयल की, इसके हम कुछ पीसेस कट करके रख लेंगे। अब हम इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे डेवलपर, अच्छे से इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से, और उसके बाद हम डालेंगे ब्लॉन्डर पाउडर और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक उसमें से जो ग्रेन्यूल्स हैं वो उसके बिल्कुल एकदम मिक्स ना हो जाएं। सबसे पहले हम बालों को शैम्पू करेंगे और उसके बाद जब बाल हल्के गीले होंगे तब ये बाल कलर करना शुरू करेंगे। और हम जो सेक्शन लेंगे वो पतले पतले लेंगे और इसमें आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। फॉयल को नीचे लगाएंगे और बालों को ऊपर करेंगे, उसके बाद कलर अप्लाई करना शुरू करेंगे। और जब कलर लगा लेंगे ब्रश के हेल्प से तब इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे जिससे ये जो कलर है बाकी के बालों पर ना लगे। इसी तरह से हम पूरे सिर पर जहाँ जहाँ आपको कलर वाले बाल चाहिए, जहाँ जहाँ स्ट्रीक्स चाहिए वहाँ पर लगा लेंगे। और उसके बाद आधे घंटे तक इसको लगा के रखना है और उसके बाद बालों को ठंडे पानी से वॉश कर देना है और फिर उसके बाद कंडीशनर लगाना है। और जब बाल सूख जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा कलर आएगा बालों पर। इसी तरह से आपको जितनी स्ट्रिक्स चाहिए उस पर कलर कर लें। ये देखिए एक पैकेट में लगभग मेरी 7 स्ट्रिप तैयार हो गई हैं। ये देखिए मैंने बाल वॉश कर लिए हैं और ये देखिए कलर कितना प्यारा कलर आया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों के आगे जो लेयर कट कराते हैं उनके, अगर उनको लेयर्स पर करना है तो आगे की साइड में बाल अपने कलर कर लेंगे। और इसमें आप 2 या 3 शेड का भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी शेड आपको अच्छी लगती है। यहाँ मैंने ब्लॉन्ड कलर की शेड ली थी और मेरे बालों में हीना भी थी तो थोड़ा कलर चेंज हुआ है। और जिनके बालों में हीना नहीं होती है उनके बालों में बहुत प्यारा कलर आता है। तो आप इसको घर पे ही ट्राई कीजिए, पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।